दोस्तों, मेवात इलाके का जिला प्रमुख कौन होगा, इस बात का इंतजार मेवात की जनता बड़ी ही बेसब्री के साथ कर रही है। जिला पार्षद के चुनाव हुए, चुनाव के बाद मतगणना हुई और उसके बाद रिजल्ट आए और उसके बाद ये तय हो गया कि आखिरकार कौन कौन सी वार्डों से कौन कौन जिला पार्षद बनकर आए। वहीं अब सवाल ये है कि आखिरकार मेवात इलाके का जिला प्रमुख कौन होगा। सबसे पहले जिला प्रमुख की दौड़ में चार चेहरे दिखाई दे रहे थे, जिनमें से अब दो चेहरे बिल्कुल दावेदार हैं जिला प्रमुख के लिए। एक तो है जान मोहम्मद, जो कि वार्ड नंबर 19 से जिला पार्षद हैं, वो जिला प्रमुख की रेस में हैं। दूसरे हैं यहूदा, जो कि वार्ड नंबर 4 से जिला पार्षद हैं और वो भी जिला प्रमुख के प्रबल दावेदार हैं। अब सवाल ये है कि दोनों में से जिला प्रमुख कौन बनेगा, जान मोहम्मद बाजी मारते हैं या फिर यहूदा अहमद अपना सिक्का जमा पाते हैं। खैर, जिला प्रमुख वो बनेगा जिसके पास ज्यादा जिला पार्षद होंगे और जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा जिला पार्षद वोट करेंगे। आज हम लोग सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में किसके पाले में कितने ज्यादा जिला पार्षद हैं और अब की बार जिला प्रमुख का मोर्चा कौन मारने वाले हैं, और इसके अलावा जिला प्रमुख का ताज किसके सर पर सजने वाला है। अभी जान मोहम्मद की अगर वोल देखी जाए फेसबुक पर या फिर उनके समर्थकों की वोल देखी जाए फेसबुक पर, तो कहीं ना कहीं जिला पार्षद जो है वो कहीं ना कहीं जान मोहम्मद के पास ज्यादा नजर आते हैं। वहीं यहूदा अहमद भी लगातार अपने फेसबुक अकाउंट पर रोजाना ये दावे करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले समय में जिला प्रमुख हम बनेंगे। खैर, जहां तक हम लोगों ने पड़ताल की, जहां तक हम लोगों ने रिसर्च की, उसके मुताबिक आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मेवात इलाके का जिला प्रमुख कौन बनने वाला है। दो जिला प्रमुख के दावेदार हैं, जान मोहम्मद वार्ड नंबर 19 से जिला पार्षद हैं और यहूदा अहमद, जो कि वार्ड नंबर 4 से जिला पार्षद हैं, दोनों ही जिला प्रमुख की रेस में हैं। अब जहां तक हमारी रिसर्च पहुंची, जहां तक हम लोगों के सूत्र पहुंचे, वहां पर जिला पार्षद कितने जान मोहम्मद के पास हैं और कितने जिला पार्षद यहूदा के पास हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जान मोहम्मद की बात करते हैं, उनके पास करीब 17 जिला पार्षद हैं जो कि कहीं ना कहीं अभी भी उनके पास मौजूद हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से जिला पार्षद जान मोहम्मद के पास हैं। सबसे पहले वार्ड नंबर 1 की बात करते हैं। वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद हैं हरसन कोटा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जान मोहम्मद को अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा सब्बीर अहमद, जो कि वार्ड नंबर 3 से जिला पार्षद हैं, उनके बारे में भी चर्चा ये है कि उन्होंने भी जान मोहम्मद को अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा सलमा रेवासन, ये कि वार्ड नंबर 5 से जिला पार्षद हैं, उनके परिवार के सदस्य जान मोहम्मद के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि वार्ड नंबर 5 जिला पार्षद जो है वो कहीं ना कहीं जान मोहम्मद के पास है। इसके अलावा आरिफ फिरोजपुर नमक, वार्ड नंबर 6 से जिला पार्षद हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन जान मोहम्मद को दिया है। नुसरत दाऊद, जो कि वार्ड नंबर 7 से जिला पार्षद हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके पाले में हैं। कलावती, जो कि वार्ड नंबर 8 से जिला पार्षद हैं, वो भी वार्ड नंबर 9 से यासीन अड़बर, वार्ड नंबर 10 से सविता उजीना, वार्ड नंबर 11 आबिद उमरा, वार्ड नंबर 13 से मजीद जलालपुर, वार्ड नंबर 14 से फरहाना परवेज, वार्ड नंबर 15 से उमर पाडला, वार्ड नंबर 17 से मुमताज साकरस, वार्ड नंबर 18 से फजरुद्दीन, वार्ड नंबर 23 से फखरुद्दीन बीसरू, वार्ड नंबर 24 से उमर गुरालता, वार्ड नंबर 25 से तौफीक हिंगनपुरिया। जी हाँ, वार्ड नंबर जो 25 से जिला पार्षद तौफीक हिंगनपुरिया, उन्होंने भी जान मोहम्मद को अपना समर्थन दिया है और वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अब जिला प्रमुख जान मोहम्मद बनना चाहिए। तो ये 17 वो कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं जान मोहम्मद को अपना समर्थन देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं, ये कहा जा सकता है। अब बारी आती है यहूदा अहमद की। इनके पास कौन कौन से पार्षद हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। हैदर अली, जो कि वार्ड नंबर 2 से जिला पार्षद हैं, उनके बारे में चर्चा ये है कि हैदर अली ने अपना समर्थन यहूदा अहमद को दिया है, वो चाहते हैं कि यहूदा अहमद जिला प्रमुख बने। इसके अलावा वार्ड नंबर 21 से तारिफ खुर्शीद हैं,
वो भी कहीं ना कहीं अभी भी जान मोहम्मद से दूरी बनाए हुए हैं और ऐसी चर्चाएं हैं कि वो भी चाहते हैं कि यहूदा अहमद जिला प्रमुख बने। इसके अलावा वार्ड नंबर 22 से हैं असगर नीम का, वो भी अभी भी जान मोहम्मद की पहुंच से दूर हैं। वार्ड नंबर 16 से हैं नेहा खान, नेहा खान के बारे में पहले से ही चर्चा ये थी कि जिला पार्षद बनने वाले हैं और कहीं ना कहीं जिला प्रमुख यहूदा अहमद को बनाने वाली हैं। हालांकि उन्होंने पहले इन चर्चाओं को खारिज कर दिया था, लेकिन अभी तक जब जान मोहम्मद से वो दूर हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी भी नेहा खान चाहती हैं कि जिला प्रमुख मेवात का यहूदा अहमद बने। इसके अलावा अब बारी आती है वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 20 की। वार्ड नंबर 12 से हैं हसरत भादस, ये अभी न्यूट्रल हैं, अभी इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये यहूदा के पाले में जाते हैं या फिर जान मोहम्मद के पाले में जाते हैं। इसके अलावा बारी आती है वार्ड नंबर 20 की। वार्ड नंबर 20 से जिला पार्षद हैं सकीम रहीसा, और सकीम रहीसा के बारे में भी अभी कोई चर्चा नहीं है कि वो किसके पाले में जाएंगे और किसको जिला प्रमुख बनाना चाहते हैं। खैर, ये रिपोर्ट हमारे पास जो आई वो हमने आपको साझा की है। इसके अलावा अब आप अंदाजा लगाइए कि जिला प्रमुख कौन बनने वाला है। जाहिर सी बात है कि जिसके पास ज्यादा जिला पार्षद होंगे वही जिला प्रमुख बनेगा और वही बनना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का प्यार उन्हें ज्यादा से ज्यादा जिला पार्षदों का मिल रहा है उसे देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जिला प्रमुख कौन होगा, या भली भांति जानते हैं। इसके अलावा आप किसे जिला प्रमुख बनाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मेवात इलाके में जिला प्रमुख कौन होगा और मेवात के लिए कितना हितैषी होगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।